कोरोना से मुक्ति के लिए प्रदेश के 4 जिलों के कलेक्टर ने सामूहिक प्रार्थना की। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प, देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, आगर कलेक्टर अवधेश शर्मा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में पहुंचे। सभी ने महाकाल की पूजा अर्चना की। देखिए, आज NHAI की जो समीक्षा बैठक थी उसके लिए आयुक्त महोदय ने संभाग के जितने भी जिले हैं उनके कलेक्टर्स को बुलाया था, और निश्चित रूप से यहाँ पर हम 4 लोग जो बैठे हुए हैं उन सभी ने बाबा से आशीर्वाद लिया है। और बहुत ही शुभ दिन है, आज सोमवार है, भादों का पहला सोमवार है। और अभी जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे विकराल समस्या हमारे सामने है कोरोना की, तो सभी ने कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना करी है। अच्छी बात है, बाबा के आशीर्वाद से अगर हम लोग उज्जैन शहर देखें, उज्जैन संभाग देखें, तब भी बेहतर पोजीशन में है। और लगातार जो भी हम लोगों को कोरोना से बचाव के लिए उपाय करने हैं, कमिश्नर साहब के नेतृत्व में सभी जिलों में कदम उठाए जा रहे हैं। और आज बाबा से सभी ने प्रार्थना की है कि जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिल जाए। निश्चित रूप से बाबा महाकाल से हम लोगों ने ये अर्जी लगाई है कि कोरोना से विश्व को मुक्त करें, और बाबा की कृपा से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये विश्व कोरोना से मुक्त होगा। और आज हम लोग एक बैठक में आए थे तो बाबा के दर्शन करने चले आए हैं। बाबा की कृपा से कोरोना से मुक्त होंगे हम लोग, और फिर से उसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ और जो भस्मारती की भीड़ और सभी आयोजन हैं वो उसी तरीके से शुरू हो जाएगा। हम लोग एक मीटिंग में आए हुए थे और फिर उज्जैन आना हो तो बाबा के दर्शन करने तो आना ही है, तो हम सभी लौटते समय महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हैं। और दर्शन के साथ साथ हम लोग अपने जिले को और संभाग को और राज्य को कोरोना मुक्त करने की अर्जी लगाने भी आए। जैसा कि बाकी अभी कलेक्टर साहब बान बता रहे थे कि आज यहाँ पे कमिश्नर साहब ने एक बैठक रखी थी, और बैठक के बाद हमने तय किया कि जाके बाबा के शरण में जाते हैं। जो भी प्रमुख रूप से कोरोना से रिलेटेड हैं, मेरे समझ से हम लोग अपना प्रयास शासकीय तो कर ही रहे हैं, पर एक बाबा के दरबार में एक अर्जी लगेगी तो बहुत सफलतापूर्वक हम उसको कर पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ, और जब भी हमें संकट महसूस होता है या कि हम मानवीय शक्तियों से बहुत सारे काम को कर पाने में बहुत सक्षम नहीं हो पाते, तो हमेशा बाबा का आशीर्वाद और मदद मिलती है। मेरा अपना मानना है कि बहुत ही शीघ्र जो कोरोना की स्थिति है, ज़िले में ही नहीं पूरे संभाग में या पूरे देश में और विश्व में, इसमें सुधार आएगा। बाबा महाकाल सभी के रक्षक हैं, तो हम सभी ने पूरे जन समुदाय के लिए इस संकट से पार पाने के लिए भगवान से प्रार्थना की है सभी। वो तो यहाँ आज एक बैठक थी तो संयोगवश यहाँ से गुजरते हुए हमने कहा महाकाल मंदिर में बिना दर्शन किए जाया नहीं जाता, जब भी उज्जैन आते हैं तो इस बार दर्शन करने सभी बता रहे हैं।